लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। अयोध्या संभावित बाढ़ को लेकर डीएम अनुज झा और सीडीओ प्रथमेश कुमार ने रुदौली तहसील के सरयू नदी के तट पर बसे महंगू का पूर्वा का निरीक्षण किया। बाढ़ से कटान होने की संभावना पर कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 2 करोड़ की लागत से 330 मीटर में बनाए जा रहे परक्यूपाइन स्टडस और जियो बैग कटर का भी निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बारिश आ चुकी है और हर बार यहां पर बाढ़ से दिक्कत की संभावना होती है, जिसके द्वारा कटान को रोकने के लिए यहां पर 330 लंबाई में कटान को रोकने, 150 मीटर पर क्यूपाइन स्टडस और 180 मीटर जियो बैग कटर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। एक परक्यूपाइन पर पानी पहले आ जाने के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसे कार्यदायी संस्था द्वारा पानी उतरने के बाद पूर्ण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि परक्यूपाइन में झाल झंघाड़ कम डाला गया, उन्होंने इसमें और भी झाल झंघाड़ डालने के निर्देश दिए, जिससे वहां पर अधिक से अधिक सिल्ट जमा हो सके। उन्होंने बताया कि 330 मीटर में बनने वाले परक्यूपाइन स्टडस और जियो बैग कटर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त 64 मीटर में परक्यूपाइन स्टडस बनाने का कार्य और भी स्वीकृत हुआ है, जिसमें भी परक्यूपाइन स्टडस को खड़ा कर दिया गया है। झाल झंघाड़ डालने का कार्य चल रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान एसडीएम रुदौली विपिन कुमार सिंह, तहसीलदार रुदौली प्रज्ञा सिंह, अधिशासी अभियंता बाढ़ कार्य खंड शशिकांत प्रसाद सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये महंगू का पूर्वा में बाढ़ से कटान की जो संभावना रहती है, उसके संरक्षण के लिए सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड को यहाँ पे प्रोजेक्ट इस बार सैंक्शन हुआ था। लगभग 2 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, जिसमें कि इनको जियो बैग कटर्स बनाने थे और पॉक्यूपाइन स्टड्स बनाने थे। तो उसी का निरीक्षण आज मेरे द्वारा किया गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु आ ही चुकी है और हर बार ये संभावना रहती है कि यहाँ बाढ़ में दिक्कत आएगी, तो उसी को देख करके अभी निरीक्षण किया है। काम इनका लगभग पूरा हो गया, हालांकि पूरा इनका पैसा नहीं खर्च हुआ, लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपये खर्च हुआ है। तो काम इनका लगभग पूरा हो गया है और जो एक ऐसा स्टड है जिसपे थोड़ा सा जहाँ पानी पहले आ गया था, तो वहाँ पे थोड़ा कम काम करा पाए हैं। वो जो पानी फिर दोबारा से रिसीव करेगा, उसके बाद उस काम को करा दिया जाएगा। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।